हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी बगिया में बहुत प्यारे प्यारे फूल भी खिल रहे होंगे इस टाइम पर। हमारे यहाँ तो देखिए किस तरह धूप पड़ रही है पौधों पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत गर्मी शुरू हो गई है अभी से। और मेरे विंटर फ्लावर्स तो एक एक करके अब ख़राब होना शुरू हो गए हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ, क्या कर सकते हैं, कुदरत के ऊपर हमारा तो कोई कंट्रोल है नहीं। तो अब जो हो रहा है सो होता रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। तो चलिए छोड़िए इन बातों को। अभी जो मैंने आपको प्यारे प्यारे पिक्चर्स दिखाई उन छोटे छोटे कीड़ों की, कुछ उनको देख के आपको कुछ याद आया या आपकी कोई यादें हैं उनके साथ जुड़ी हुई आपके बचपन की? मेरी तो बहुत सारी यादें हैं उनकी। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मैं जो हूँ उनको पकड़ा करती थी अपने गार्डन में से, जो मेरी दादी ने बनाया था। बहुत सारे फूल थे वहाँ पर भी और बहुत सारी सब्जियाँ भी लगा दी थी मेरी दादी, यानी उनका किचन गार्डन भी था और एक फ्लावर गार्डन भी था। तो वहीं पे और वहीं से जो है मैं बहुत सारे ये छोटे छोटे कीड़े पकड़ती थी और बॉटल में भरती थी, क्योंकि तब मुझे ये बहुत अच्छे लगते थे और इतने प्यारे प्यारे कलरफुल होते थे और छोटे छोटे जो उनके ऊपर ब्लैक डॉट्स दिखते हैं ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। तो मैं अकेली इनको जो हूँ पकड़ा करती थी, बाकी सब मेरी दोस्तों को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था फ्रेंड्स। तो तब की मेरी यादें हैं और आज मुझे सुबह देखिए वही कीड़ा, वही छोटा सा प्यारा सा कीड़ा मुझे मिला। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको, ओके, ये लीजिए, वो तो भाग भी गया। मैंने उसको जो है सुबह से पकड़ के रखा था फ्रेंड्स, कि मैं जो हूँ एक वीडियो बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसलिए मैंने जो है उसे एक छोटे से ग्लास में पकड़ के रखा हुआ था। और देखिए उसे जैसे ही मौका मिला वो भाग गया। तो उसे कहते हैं बीटल, बीटल नहीं लेडीबग कहा जाता है, और वैसे तो उसे जो है लेडीबर्ड बीटल भी कहा जाता है, या तो लेडीबग बीटल भी कहते हैं उसे। तो बहुत प्यारे ये कीड़े होते हैं, और वैसे तो आमतौर पे हर कीड़ा जो है ख़तरनाक होता है, या तो हमारे लिए या तो हमारे पेड़ पौधों के लिए, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। कह लीजिए जैसे अर्थवर्म्स फार्मर के फ्रेंड होते हैं, वैसे ये लेडीबग जो है हमारे गार्डन के फ्रेंड्स होते हैं। ये हमारे पौधों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते फ्रेंड्स, उल्टा ये हमारे पौधों की रक्षा करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। चलिए आज इन्हीं के बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। इनको जो है बेनिफिशियल ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स में गिना जाता है, और बेनिफिशियल ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स में क्यों गिना जाता है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि ये जो है हमारे गार्डन में जो इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, पेस्ट अटैक करते हैं, ये उनको खाते हैं, उनके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कौन कौन से पेस्ट ये कंज्यूम करते हैं। ये जो है एफिड्स, मेली बग्स, स्केल्स, स्पाइडर माइट्स और दूसरे जो भी सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स हमारे प्लांट्स को ख़राब कर सकते हैं, उन सब इंसेक्ट्स को ये लेडीबग्स खाते हैं। और कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ इनके बारे में। एक लेडीबग जो है दिन में, इन अ डे, इट कैन कंज्यूम अबाउट 50 to 60 एफिड्स। सोचिए एक छोटा सा बग 50 to 60 एफिड्स दिन में खा सकता है, और अपनी लाइफ टाइम में कितना खाता है? इसकी लाइफ टाइम जो होती है 2 to 3 साल तक होती है, और 2 to 3 साल के अंदर ये कितने एफिड्स या मेली बग्स या दूसरी कोई भी सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स खा सकता है? ये अराउंड 50,000 एफिड्स कंज्यूम कर सकता है इन इट्स लाइफ टाइम। तो हो गई ना कमाल की बात। तो एक लेडी बग भी अगर आपके गार्डन में आ जाए तो सोचिए कितने सारे प्लांट्स की रक्षा करेगा। तो आपने करना क्या है, ये सबसे बेस्ट वे और कमर्शियल मेथड है ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्ट कंट्रोल का। जो फार्मर्स होते हैं जो नॉर्मली ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वो तो लिटरली इन लेडीबग्स को अपने फार्म में रिलीज करते हैं ताकि उनके पौधे जो हैं इन हानिकारक पेस्ट से बचे रहें। तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए या इनको अपने गार्डन में, अपने फार्म में बुलाने के लिए आपको कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना, कोई महंगे महंगे पौधे नहीं लगाने होते। आप सिंपल से सिंपल हर्ब्स जैसे धनिया हो गया, कोरिएंडर हो गया, पार्सली हो गया, फेनल हो गया,
फेनल यानी सौंफ, दिल जिसे सोई कहते हैं, इस तरह के आप जो है हर्बल प्लांट्स लगा सकते हैं। आप जेरेनियम लगा सकते हैं, जेरेनियम तो एक मॉस्किटो रेपेलेंट भी है, तो उसे भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत अट्रैक्ट करता है इन लेडीबग्स को अपनी तरफ। आप चाहें तो कैलेंडुला, अभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स सबके गार्डन में है, तो कैलेंडुला लगाइए फ्रेंड्स। कॉस्मोस लगाइए फ्रेंड्स, कॉस्मोस भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं इन लेडीबग्स को अपनी तरफ। और जो डैंडेलायंस होते हैं, जिनको हम जो हैं हम तो अपनी ज़बान में उसे बुढ़ी के बाल कहते थे, वो जंगली उगते हैं ना, छोटे छोटे गोल गोल वाइट वाइट दिखाई देते हैं, तो उनको भी अगर आप अपने गार्डन में यूं ही छोड़ देंगे, अगर उनको नहीं निकालेंगे एज अ वीड, तो वो भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं इन लेडीबग्स को अपनी तरफ। तो इस तरह आपका अगर वेजिटेबल गार्डन है, तो अपनी सब्जियों के बीच में आप इन फूलों के पौधों को या इन हर्बल प्लांट्स को अगर लगा दें, तो लेडीबग्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं इन प्लांट्स की तरफ, और फिर जो है ये अपना काम भी करते रहेंगे, यानी पेस्ट को खाते रहेंगे, तो आपके प्लांट्स भी बचे रहेंगे और प्रोटेक्टेड रहेंगे। और अगर आप इन लेडीबग्स को अपने गार्डन में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं नेचुरली, तो आप इनको जो है परचेज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये कहा जाता है कि स्पेशलिटी गार्डन स्टोर्स में बहुत आराम से मिल जाते हैं आजकल, और ऑनलाइन भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने स्टडी किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये जो है ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो देखा कितना आसान है इन लेडीबग्स को अपने गार्डन में बुलाना, और फिर लेडीबग्स कितने फायदेमंद होते हैं और कितने अच्छे होते हैं ये हमारे गार्डन के लिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये दिखते भी कितने खूबसूरत हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं कभी भी इन लेडीबग्स को नहीं मारती हूँ, जब भी मुझे ये अपने गार्डन में दिख जाते हैं मुझे तो बड़ी खुशी होती है इनको देख के अपने गार्डन में। तो और इनकी एक स्पेशल स्ट्रैटेजी तो मैं आपको बताना भूल ही गई फ्रेंड्स, ये खुद तो ये सारे एफिड और मेलीबग्स खाते ही हैं, और ये अपने अंडे भी ऐसी जगहों पे देते हैं जहाँ पे इन लेडी मेलीबग्स और एफिड की कॉलोनीज होती है, ताकि जैसे ही इनके अंडे हैच करें फ्रेंड्स, उनके बच्चे भी इन मेलीबग्स को और एफिड्स को खाना शुरू कर दें तभी के तभी। तो देखा फ्रेंड्स कितने अच्छे और कितने प्यारे कीड़े हैं और कितने बेनिफिशियल हैं ये हमारे गार्डन प्लांट्स के लिए, हमारे किचन गार्डन के लिए या हमारे फार्मिंग के लिए। तो आज का टॉपिक बस इन्हीं के ऊपर था फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी साथ ही साथ। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा और आज उनको ये पता भी चल गया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है, ज़रा भी बेनिफिशियल साबित हुई है आपके लिए, तो ज़रूर इसे एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं किसी और प्यारे से प्लांट के साथ या किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।